हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज हम आपके लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता लेके आए हैं, जो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम आपके लिए आज पोहा बनाएंगे। ये हमने चूरा लिया है, ना मोटा हो और ना पतला हो, मीडियम साइज का है ये पोहा। और देखिए, इसको हम आप भिगो के रख देंगे कुछ देर के लिए। हल्दी, जीरा और ये नींबू, राई, नमक, चीनी और सब्जियों में मैंने बहुत कुछ ज्यादा नहीं लिया है, मटर, प्याज, दो मिर्च और करी पत्ता, बस इन सब चीजों से बनाएंगे। बहुत लोग मूंगफली खाना पसंद करते हैं तो वो मूंगफली डाल के बना सकते हैं, या आपको और कुछ अगर सब्जी पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मटर में बनाएंगे, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम चलते हैं बनाने। चूरा को पहले हम भिगाते हैं। चूरे को हम बहुत देर पहले नहीं भिगाएंगे, बस बनाने के तुरंत 5 मिनट पहले भिगाएंगे। बस पानी मैंने पूरा डुबो को रख देंगे और फिर तुरंत छान लेंगे पानी को, इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है और ये फूल जाएगा। अब इसका पानी जो है हम निकाल देंगे। देखिए, मेरा चूरा जो है डूब गया है, इसको हम धुल के एक पानी और वाश कर लेंगे। बस इसका पानी हमने अपने चूरे को धुल के निकाल लिया है और अब इसमें हम ये नमक है इसको अभी हम ऐड कर देंगे, इसमें अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये 1/2 स्पून शुगर है, थोड़ा सा मीठा खटमीठा रहेगा वो और अच्छा लगेगा, और दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे और ये पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से हमारा जो पोहा है वह सॉफ्ट बनेगा और हम बहुत देर तक नहीं, बस 5 मिनट के लिए रख दे रहे हैं, तब तक हम अपनी सब्जियां फ्राई कर लेंगे। हमें अपना चूरा जो है भिगाना नहीं है, बस इसको वॉश करना है। हमने वॉश कर लिया, इसमें चीनी और नमक ऐड कर दिया, अभी 5 मिनट के लिए रख देंगे। बस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले राई ऐड करेंगे और फिर ये मिर्च, दोनों को पकने दे रहे हैं। जीरा, करी पत्ता, प्याज, ये तीनों को पका ले रहे हैं। गोल्डन होने तक चलाएंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, इसको भी चला लेंगे। बहुत ज्यादा पकाना भी नहीं है और बहुत ही ये हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है, आप सुबह या शाम चाय के साथ बना सकते हैं। हमने मटर भी इसी समय ऐड कर देंगे, इसको भी चला लेंगे। आप और भी कुछ सब्जियां अगर ऐड करना चाहते हैं, गाजर हुआ, बीन्स, कुछ भी, तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या ना सब्जियों को बनाना चाहें तो आप सिर्फ मूंगफली का बना सकते हैं। हमें मटर का पसंद है इसलिए हम मटर का बना रहे हैं। इसे 1 मिनट तक पकने दे रहे हैं। देखिए, जो हमने पोहा भिगाया था कितना खिला खिला बढ़िया भीग गया है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा पोहा बनने वाला है। अब इसे हम डाल देंगे। देखिए आप लोग, इसको भी हम चला के, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक और चीनी हम पहले ही डाल चुके हैं। बहुत यम्मी सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। आप बच्चों के लंच में या किसी वक्त आप ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट तक इसे हम पकाएंगे और हमारा पोहा बनके रेडी। ये हमने पोहे को जो है प्लेट आउट कर लिया है। और आपको ये हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय।
आपको ये मेरी रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने अनुभव सास बहू और दुनियादारी के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।